आप लोगों को आमंत्रित इसलिए आज किया गया है, बुलाया गया है कि राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी जो है 1932 का पुरजोर विरोध करती है। मान लीजिए कि 2000 में 2000 15 नवंबर 2000 के बिहार से झारखंड अलग हुआ, सैकड़ों बरस से यहाँ आदमी रह रहे हैं, चाहे वो पंजाबी हो, बिहारी हो, चाहे मड़वारी हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी आदमी हो, तो आज जो 22 साल बाद स्थानीय नीति जो सरकार ये 1932 का जो बात कह रही है, ये सरासरी गलत और न्याय है जिसको पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि आज 22 साल हो गए, मान लीजिए कि जो लड़का मैट्रिक पास यहाँ किया है आज उसका उम्र 22-23 साल हो गया, जब वो बिहार में जाता है तो बिहार का आदमी कहता है क्या कि भाई मैट्रिक पास तो तुम झारखंड से किए हो तो हम तुमको बिहार में कैसे करें, और झारखंड कहता है कि 1932 का हम लगाएंगे। तो उस स्थिति में हमारे जो बाहरी आदमी जो 1.5 करोड़ है वो कहाँ जाएंगे। मैं सरकार को साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि 1932 ये निराधार है, और हेमंत सोरेन जी आप राजनीति करना छोड़ें और जनता को काम करें। 2000 का डोमिसाइल में हम लोग रहे हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 2000 में क्या हुआ था। ऐसा नहीं हो कि 2000 फिर से दोहराना पड़े और आपकी कुर्सी जाएगी और आप जेल में जाइएगा। मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूं मेरी पार्टी कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी पार्टी बर्दाश्त करे, बाकी पार्टी वोट के राजनीति करे, लेकिन मेरी पार्टी जिनके लिए बनाया गया है मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कल 20 तारीख को आज हमको मेन रोड में परमिशन नहीं दिया गया, कोकर चौक में 3:30 बजे हम पुतला दहन करेंगे मुख्यमंत्री को, और यही नहीं हम रोड पर भी विरोध करेंगे। दो प्रमुख पार्टियां आज जेडी और जेडीयू दोनों अभी सरकार के पक्ष में है और आप कह रहे विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि हम आरजेडी और बीजेपी का नहीं है, हम राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी से हैं, ये अलग पार्टी है। ये आरजेडी का कोई बनुआ मजदूर हमारे यहाँ नहीं है और नहीं बीजेपी का है। हम इस भारत का नागरिक हैं और हमारा अधिकार है विरोध करना, और हम विरोध करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम विरोध करेंगे। क्यों कि हमारे लिए यहाँ पर यदि व्यवस्था ये सरकार नहीं करती है और तत्काल 1932 को खत्म नहीं करती है तो हम आगे चल के ऐसा हो सकता है कि हम अलग राज्य को भी मांग करेंगे और लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, कतई इनसे पीछे नहीं हटेंगे। अलग राज्य में आपको कौन कौन सा जिला चाहिए? जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, जहां हिंदी भाषी हैं वही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।